हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमलेश कार एक्सेसरीज। सो यहां पर आ चुके हैं अर्टिगा, जो कि 22 वाला मॉडल है, BS6 वर्जन CNG वाला। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे गाड़ी पूरी खुली हुई है, जो कि इसमें मॉडिफिकेशन काम स्टार्ट है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 22 वाला CNG वाला वर्जन है ये। तो यहां पे क्या क्या इंस्टॉल होने वाला है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और हाँ गाइस, ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो एक्सेसरीज हम करने वाले हैं वो भी लाजवाब करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे बोनेट खुला हुआ है। तो यहाँ पे हेडलाइट DRL हम इंस्टॉल करने वाले हैं। यहाँ पे आती है हेडलाइट DRL, वो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं। फॉगलाइट की DRL इंस्टॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बम्पर खुला है, तो यहाँ पे फॉगलाइट अभी इंस्टॉल की गई है, जो कि LED इसमें ओसराम की रहती है। और हाँ गाइस, बहुत ही जेन्यून क्वालिटी रहती है ये वाली, तो इसका फोकस भी बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी पूरा ब्लैक कलर का पट्टी है। तो यहाँ पे SS का हम लगाने वाले हैं विंडो गार्निश। यहाँ पे डोर पट्टे भी हम आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं। प्रॉपर अर्टिगा जो कि इस वाले मॉडल में आते हैं, वही हम इंस्टॉल करने वाले हैं ब्लैक और क्रोम में। सीट कवर हो गया, मैटिंग हो गई, वो सब इंस्टॉल होने वाला है। यहाँ पे अंदर एंड्रॉयड का सिस्टम का काम भी स्टार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो सोनू भाई एंड्रॉयड सिस्टम लगाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा वायरिंग सॉकेट टू सॉकेट और कंसील वायरिंग होता है, और जो फिटिंग भी है उसका 0 to 0 होता है गाइस, ये देख लो। तो आज हम यहाँ पे जो कंपनी ने ये वाली मैटिंग दी हुई है, इसके ऊपर भी मैटिंग इंस्टॉल करने वाला है, जो कि ये बेस कलर में ही करने वाला है। आप देख सकते हो कि जो फाइबर्स है वो सारे बेस कलर में। तो यहाँ पे फ्लोरिंग भी आज हम बेस कलर में करने वाले हैं, ये देखो गाइस। सीट कवर आप दिखाना चाहूँगा, तो पीछे के सीट कवर इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक, और जो बीच में जो कलर है वो पूरा आगे जो डैशबोर्ड है वो सेम कलर है गाइस। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ हम करने वाले हैं, जो हम XL6 वगैरह में कैरियर लगाते हैं, जो ऊपर कैरियर ऊपर लगता है, वो कैरियर भी आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यानी XL6 में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको रिस्पॉन्स मिलता था। यहाँ पे पीछे की मैं बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पर डिक्की का स्पॉइलर भी इंस्टॉल होने वाला है, जो कि लाइट वाला रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइट पूरी खुली हुई है। तो यहाँ पर रिवर्स कैमरे का वायरिंग का काम स्टार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा अंदर खुल गया है, यानी सीटें बीटें सब निकल गई है। यहाँ पे आप सीट भी देख सकते हो कि एक सीट फिटिंग हो चुकी है, जो कि अर्टिगा का ही प्रॉपर नेम रहता है। और जो सीट कवर है वो भी बहुत ही बढ़िया बकेट फिटिंग में, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया तरीके से लग रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्क पूरा हो चुका है। और यहाँ पे हेडलाइट DRL भी आप देख सकते हो कि कितनी प्रॉपर तरीके से लग रही है। और यहाँ पे फॉगलाइट DRL भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ये देख लो। यहाँ पे 4 LED भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉगलाइट, और इंटीरियर में जो एक्सटीरियर में यहाँ पे बम्पर पट्टे भी यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं, जो कि साइड कॉर्नर घसा है ना इसके लिए है, और जो प्रोटेक्ट करते हैं वो। और यहाँ पे डोर वाइज़र भी हमने लगाए हुए हैं, ब्लैक कलर में लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अर्टिगा के ब्रांडिंग के साथ ही रहने वाला है। और हाँ गाइस, यहाँ पे हनीकॉम डिज़ाइन वाला हमने डोर वाइज़र लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अर्टिगा के बेजिंग के साथ हमने नीचे के डोर बिडिंग्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं, वो भी ब्लैक और क्रोम में इंस्टॉल किए हुए हैं। विंडो गार्निश भी आप देख सकते हो कि प्योर SS की रहने वाली है, तो इसमें गाइस जंग बंग भी नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। डोर वाइज़र की भी आप लुक देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर एक्सटीरियर वर्क में अभी एक काम करना बाकी है, जो कि कैरियर, वो भी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और यहाँ पर ब्लैक डोर गार्ड भी इंस्टॉल कर दिए है, ये आप देख सकते हो। इंटीरियर की बात करना चाहूँगा, तो इंटीरियर में हमने लगाया हुआ है जो फ्लोरिंग मैटिंग, जो पूरा आगे एक्सीलेटर से लेकर पीछे तक जाएगा। और यहाँ पे सीट कवर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो सीट कवर की भी आप फिटिंग फिनिशिंग देख सकते हो। और जो कलर है, जो बेज और जो ब्राउन कलर, जो कि यहाँ पे है बेज और ब्राउन कलर, तो वो सेम कलर हमने इंस्टॉल किया हुआ है सीट कवर में। और यहाँ पे आर्मर रेस्ट भी हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अंदर जो कि चार्जिंग का स्लॉट है वो भी रहने वाला है।
और यहाँ पे स्पेस भी दी गई है, तो यानी आप मोबाइल या वॉलेट कुछ भी रख सकते हो। ये देख लो गाइस, उसकी फिटिंग फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, और हैंड ब्रेक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हमने आर्मर स्पेस में इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया स्टेयरिंग को स्टिचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एंड्रॉयड भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे आप उसकी एक लुक भी देख सकते हो कि IPS पैनल आएगी, YouTube नेविगेशन प्ले स्टोर सब इनबिल्ट आएगा। और हाँ गाइस, ये गोरिल्ला ग्लास रहने वाला है, तो यहाँ पे इसका टच भी आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ है, और रिवर्स कैमरे के साथ रहने वाला है। तो यहाँ पे एक बारी मैं आपको रिवर्स भी स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा। ये देख लो गाइस, इसकी सिर्फ क्लियरिटी देख लो कि कितनी बढ़िया आ रही है। अभी तो ये रिपल लगा हुआ है, ये निकल के आपको क्लियरिटी का और भी विज़न पता चलेगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा विज़न है, यहाँ पे डे विज़न में भी आप देख सकते हो। और गाइस ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कैमरा है डे नाइट विज़न में रहने वाला है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये देख लो गाइस, ये इक्विलाइजर रहेगा। तो यहाँ पे दूसरी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे जिप कवर आप देख सकते हो, पीछे इस जिप कवर भी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, वो भी प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। पीछे भी आ जाएंगे जिप कवर, अभी तो कुछ सामान पड़ा हुआ है, जो कंपनी का एग्जिस्टिंग प्लेयर था वो यहाँ पे निकाल के हमने रख दिया है। तो यहाँ पे आप जिप कवर भी देख सकते हो कि कितना बढ़िया लुक दे रही है। यहाँ पे हमने मटलब भी इंस्टॉल किए हुए हैं, ब्लैक कलर के आप देख सकते हो कि मटलब हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो चारों टायर के पीछे रहने वाले हैं। तो दोस्तों अभी इंस्टॉल करने जाएंगे जो कैरियर है, रोप कैरियर, वो आज हम इंस्टॉल करने जाएंगे, और बहुत ही अच्छी कंपनी का है। यानी आप उसका फिटिंग फिनिशिंग, आप उसका क्वालिटी देख लो। जो XL6 हम ऑल ओवर इंडिया में भेज रहे हैं, वही कैरियर आज हम अर्टिगा में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है जो रूफ कैरियर, और आप देख सकते हो कि प्रॉपर ही रहेगा, 0 to 0 फिटिंग रहता है, और मटेरियल भी आप इसका देख सकते हो कि प्योर ABS क्वालिटी आएगा, और कलर भी आप देख सकते हो कि जो कलर है कंपनी का और जो कैरियर का 19-20 भी नहीं आएगा गाइस, तो यानी बहुत ही बढ़िया कलर है। यहाँ पर ग्राफिक्स आप देख सकते हो, जो कि XL6 अर्टिगा दोनों में ग्राफिक्स ऐसे सेम ही रखे गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कमलेश कार का लोगो लगाया हुआ है। ये देख लो गाइस, अभी इसका फिटिंग होना बाकी है, तो यहाँ पे फिटिंग हो रहा है। ये देख लो, इसका फिटिंग गाइस बहुत इजी है, तो यानी आप यहाँ गुजरात के नहीं हो, महाराष्ट्र के हो, के पंजाब के हो, कहीं पर भी हो, तो आप इजीली हमको फ़ोन कर दो, हम यहाँ से ये कैरियर कुरियर करवा देंगे। और हाँ गाइस, ये उसकी मैं गारंटी लूँगा कि ये क्वालिटी बढ़िया आएगी। तो ये जो कैरियर है गाइस XL6 में, तो ऑल ओवर इंडिया हम कुरियर कर ही रहे हैं, और जो अर्टिगा में आपको पसंद आया तो अर्टिगा के लिए भी रेडी है ये जो कैरियर हमने लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया लुक दे रहा है गाड़ी, ये देख लो गाइस। यानी सभी गाड़ी के लिए अवेलेबल रहता है हमारे पास, जो ऑर्डर से ही मिलेगा पर, तो यानी इसके लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा हमको, और आप क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो कि कितनी बढ़िया आ रही है। ऊपर से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ऊपर से भी आप देख लो गाइस, ये देख लो जो कैरियर है, जो फिटिंग है, जो फिनिशिंग है, वो आपको गुजरात में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ कमलेश कार एसेसरीज पे ही मिलेगा गाइस। ये देख लो, तो यहाँ पे दोस्तों अभी हो चुका है जो अर्टिगा DS6 मॉडल है, गैसकेट वाली, उसका वर्क डन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको हेडलाइट DRL और फॉग लाइट DRL दोनों एक बार ही आपको स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा। स्टार्ट, ये देख लो, यहाँ तो डे विज़न है तो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा, पर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख लो व्हाइट स्ट्रिप और नीचे की फॉग लाइट DRL जो बोलते हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा, जो फॉग लाइट हमने लगाई हुई है 4 LED में, वो भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है फॉग लाइट, जो कि हमने 4 LED में लगाई हुई है, और उसका भी लुक और जो फिटिंग है, फिनिशिंग है, बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा जो इंडिकेटर है, वो भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। इंडिकेटर,
ये देख लो गाइस, साइड पोर्शन की बात करना चाहूँगा तो साइड पोर्शन में यहाँ पे हमने ऊपर लगाया हुआ है जो कि रूफ कैरियर, और वो पूरे प्योर वाइट में लगाया हुआ है, और उसकी आप फिटिंग फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया लग रही है। और जो कैरियर का लुक आ रहा है गाइस, तो ये कैरियर बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे इसका फिटिंग फिनिशिंग भी आप देख सकते हो, जो इसकी क्वालिटी है जो कि आप देख सकते हो कि प्योर है, अभी इसमें रहने वाला है। यहाँ पे अभी एक बारी मैं आपको ऊपर चढ़ के भी दिखा दूंगा कि ऊपर से भी कैसा लुक आ रहा है, ये देख लो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डाउन कट वाला है जो कि बहुत ही रेयरली जो ये डाउन कट मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वर्क सिर्फ आपको कमलेश कार एक्सेसरीज पे ही मिलेगा जो कि बड़ौदा गुजरात में है। ये कैरियर का जो फिटिंग है उसका मैनुअल अंदर रहता है, ये तो कस्टमर हमारे इजीली फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लैंप लगाया हुआ है और पीछे भी रहता है, तो गाइस इजीली कस्टमर ऑल ओवर इंडिया में हमारा कैरियर जाता है, इजीली कस्टमर जो है वो फिटिंग कर देते हैं। यहाँ पे इंटीरियर की बात करना चाहूँगा तो इंटीरियर में हमने लगाया हुआ है फुल स्टेप जो कि LED विजन में, और यहाँ पे एंड्रॉयड भी मैंने आपको दिखाया था कि एंड्रॉयड भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने लगाया हुआ है, ये देख लो गाइस। यूट्यूब नेविगेशन प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना हो सभी इनबिल्ट आएगा। और हाँ गाइस, यहाँ पे स्टेयरिंग कवर भी देख लो, इंटीरियर में भी आपको सीट कवर दिखाई देगा, और जो मैटिंग है वो भी आपको दिखाई देगी। मैटिंग हमने रबड़ की लगाई हुई है जो कि रेगुलर रहती है, पर ये रफ एंड टफ यूज़ के लिए रहती है। और यहाँ पे फ्लोरिंग तो हमने किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने पूरा आगे एक्सीलेटर से लेके पीछे तक पूरा फ्लोरिंग किया हुआ है, तो यानी गीला कपड़ा मारोगे तो भी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हमने बम्पर पट्टे भी इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि चार कॉर्नर्स की सेफ्टी के लिए, और जो स्पॉइलर है वो भी हमने ब्लैक कलर में यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि उसका भी लुक कैसा आ रहा है। जो वाइट कलर है गाड़ी का तो ब्लैक कलर के स्पॉइलर के साथ कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ गाइस, ये भी ड्यूअल कॉन्सेप्ट के साथ हमने किया हुआ है, जो स्पॉइलर है ब्लैक में रखा हुआ है, और यहाँ पे आप ग्लास में भी देख सकते हो कि अर्टिगा में ब्लैक कलर कंपनी ये दे रही है, तो लुक उसका और भी अच्छा रहता है। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारी कमलेश कार एक्सेसरीज चैनल को। थैंक यू सो मच।